प्रणाम आलसापति जी। प्रणाम। आपने मूर्ति बना ली? हाँ, वो भी नींद में। ये तो मैंने देख लिया, वरना मैं भी यकीन नहीं करती कि इतनी सुंदर मूर्ति रामलला की इन्होंने बनाई नींद में। ये सब साई की लीला है श्रीकांत जी। पार्वती कह रही है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि ये मूर्ति मैंने बनाई हो। इतना अवश्य याद है कि मेरे सपने में मुझसे मिलने साई आए थे। चलिए, जैसे भी बनी मूर्ति बन तो गई साई की कृपा से। अब हमें इसे द्वारका माई ले जाने की जरूरत है। भूलिए मत, ये कार्य प्रतियोगिता का एक हिस्सा है। उधर दिलावर भाईजान भी दिए तैयार कर चुके हैं। जल्दी कीजिए, अगर देर हो गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ, चलिए। ये लीजिए सेठ जी, अब नाप बराबर है। अरे सवारी तैयार करो। सवारी गई भाट में, बिल्कुल समय नहीं है, दौड़ो। किसी भी हाल में मुझे उनसे पहले साईं के पास पहुंचना होगा। अरे चलो जल्दी चलो। मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचे, इससे बेहतर तो यह है कि हम सबसे अंत में पहुंचे। पहले पहुंचने से कहीं ज्यादा साई के साथ उर्स मनाना हमारे लिए मायने रखता है, इसलिए संभल कर चलने में ही अकलमंदी है। नहीं साईं, पहले कौन आएगा? तेरा इंतजार खत्म हुआ लक्ष्मी, अपने पीछे देख। साईं, 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 मैं जीत गया। सबसे पहले मैं यहां आया हूं। बधाई हो मूलचंद जी। साईं, आप इसे पहनकर एक बार देख लीजिए, ताकि आप बता सके कि इस बार माप बिल्कुल सही है, और फिर मेरे विजय की घोषणा कर दीजिए, ताकि प्रतियोगिता के शर्त के अनुसार आपके साथ सबसे पहले जश्न मैं मनाऊंगा। जरूर पहना दो। मुझे अफसोस है कि आप लोग इस बार भी मुझसे जीत नहीं सके। साईं, इस बार मैंने खुद सुनिश्चित किया है कि पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ ना हो।
मन में साईं के क्या है कौन जान पाए ओम साईं ओम। इस बार तो मुकुट का माप सही लिया था, फिर ये कैसे मुमकिन है? याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक था। नालायक कारीगर, एक मुकुट का माप ठीक से नहीं ले सकता तू। कोई बात नहीं मूलचंद जी, गलती तो सभी से हो जाया करती है, और वैसे भी यहां दो समूह और मौजूद हैं। आप लोग आगे आइए। ये मूर्ति आपने बनाई है? कैसे? जिसके साथ साईं का आशीर्वाद हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मूलचंद जी। माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। लेकिन हमें यह भी देख लेना चाहिए कि मूर्ति ठीक से बनी भी है या नहीं, हड़बड़ी में कोई कमी तो नहीं रह गई? आप देखभाल के अपनी तसल्ली कर लीजिए। ठीक है साईं। इससे पहले कि हम विजेता का फैसला करें, विजेता की घोषणा करें, क्योंकि महालसापति जी ने मूर्ति बना ली है, हमें दिलावर भाई के दिए भी देख लेने चाहिए। लाइए दिलावर भाई, दिए रखिए। हाँ साईं, पूरे 1001 दिए हैं, और 1001 अंक बहुत ही मुबारक अंक होता है साईं। आप इन दियों को भी जांचना चाहेंगे कि ना चाहेंगे कि ये सब ठीक हैं या नहीं? नहीं सर, नहीं। तो ठीक है, तो चूंकि महालसापति जी और दिलावर भाई दोनों एक ही समय एक साथ आए हैं, इसलिए ये दोनों ही विजेता हैं। तो ये तय रहा कि हम रामनवमी और उर्स दोनों साथ साथ मनाएंगे। लेकिन कैसे साईं? पालकी और उर्स का जुलूस दोनों साथ साथ निकलेंगे।
बधाई हो महालसपति जी। धन्यवाद। मुबारक हो दिलावर भाईजान। आप दोनों ने ये सब बिना तजुर्बे कर दिखाया है। गद्दार धोखेबाज। क्या हुआ सर जी? अब मुझे समझ में आया, मैं ये प्रतियोगिता हार गया वो भी तेरे कारण, और तू इन्हें बधाइयां दे रहा है। क्या मतलब? क्या मतलब? एक मंजा हुआ कारीगर, एक जाना माना सुनार, जिसका इस इलाके में उसके काम के लिए बहुत ही नाम है, उससे एक ही गलती दो दो बार होती है, ये बात हजम नहीं होती। पहले तो मैं हैरान था, लेकिन अब समझ गया हूं। आप सबने धोखा दिया है मुझे। महालसपति और दिलावर भाईजान ने इस कारीगर को मुकुट का माप बदलने के लिए और मुकुट का आकार बदलने के लिए पैसे दिए हैं, ताकि मैं जीत ना सकूं। मूलचंद जी, दिलावर अपने ईमान का पक्का है। हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि जीतने के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार करें। आप कहेंगे और मैं मान लूंगा। ये लोग सही कह रहे हैं, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। यानी भूत का गवाह प्रेत आत्मा, तुम तो यही कहोगे, क्योंकि इन गांव वालों के साथ तुम्हारी मिलीभगत जो है। साईं, आप ही कुछ बोलिए ना। बोलना क्या है मूलचंद जी, आप ही तो कह रहे थे ये प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जीतने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आरोप की पुष्टि के लिए साक्ष्य की जरूरत होती है। जो आप कह रहे हैं उसे सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत है क्या? और अगर आपको लग रहा है कि जानबूझकर कारीगर ने बेईमानी की है, वो जानबूझकर गलत माप ले रहा था, तो आप माप क्यों नहीं ले लेते? हाँ साईं, यही ठीक रहेगा। वैसे भी मैं प्रतियोगिता हार ही चुका हूँ। आपको वादा किया था, वैसा मुकुट बनाकर कम से कम आपको भेंट तो दे पाऊंगा। भले ही ये लोग जीत गए हों, लेकिन इनकी बनाई गई वस्तुओं से अधिक कीमती मेरा ही मुकुट होगा, जो मैं आपको भेंट में दूंगा। ठीक है, मालसपति जी, हम यहाँ यहाँ शामियाना लगाएंगे और पूरी शिरडी को फूलों और पताकों से सजा देंगे। बाजार से जाकर कई झंडे लेके आएंगे और गांव की औरतें बहुत सारा प्रसाद बनाएंगी। बच्चे नए नए कपड़े लेंगे और रामलला की मूर्ति यहाँ होगी, पास में चंदन का थाल, और फिर साथ में निकालेंगे जुलूस और पालकी। हम दो जश्न एक साथ मनाएंगे। दो नहीं, तीन जश्न मनेंगे। तुमने बड़ी देर कर दी आने में। पता है यहाँ पे क्या क्या हुआ? यहाँ पे जो कुछ भी हुआ हो, उससे भी बड़ी खबर मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। साईं, हमने चंपा का रिश्ता भैरू के साथ पक्का कर लिया है। रामनवमी के अगले दिन ही हम चंपा की शादी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उसके कई महीनों बाद तक कोई मुहूर्त नहीं है। बधाई हो चंपा, रामदास जी आपको भी। साईं, अब हम चलते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। जितनी चाहे उतनी योजना बना लो, मैं भी देखता हूं तुम उसे पूरा कैसे कर पाते हो। मैं भी चलता हूँ साईं, मुझे भी बहुत कुछ करना बाकी है। राम जी भला करे।
हमें जिन चीजों का इंतजाम करना है वो है शामियाने के लिए कपड़ा, फूल, संदन की थाल, मिठाइयाँ, फल। शामियाने के लिए कपड़ा हो चाहे फूल, चंदन, मिठाइयाँ, लोबान, गुलाल, कपास, पूरा का पूरा बाजार खरीद लो। किसी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये लोग क्या समझते हैं, भजन करके चार पैसे जोड़ जाड़ के ये लोग मुझे सेठ मूलचंद को हराएंगे? लेकिन मैं अगर हारा तो किसी और को भी जीतने नहीं दूंगा। आप आ गए, बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं खाने का समय नहीं है मेरे पास, रामनवमी की तैयारी के लिए सामान लेने जाना है। मैं तो बस ये बताने आया था कि आज घर आने में मुझे देर हो जाएगी। अरे आप पूरा काम निपटा कर आइए, लेकिन खाना खाकर जाइए ना। वैसे ही देर हो चुकी है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। अरे बाजार का खाना भी कोई खाना होता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आई ऐसा कह रही है। भिक्षाम दे। साई। प्रणाम साई। राम जी भला करे। आज आप पहली बार हमारे घर आए हैं। मेरा घर आपके वजह से ही बसा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप यहां से खाना खाकर ही जाए और अध्यापक जी को भी समझा दीजिए। रामनवमी की तैयारी में सुबह से भूखे पेट घूम रहे हैं गांव में। इनके पास दो पल का भी समय नहीं है खाना खाने के लिए। इन्हें समझाइए कि खाना खाकर ही घर से निकला करें। चिवताई सही कह रही है श्रीकांत जी, आज आप बहुत देर तक घर से बाहर रहने वाले हैं, तो आपको कुछ खाकर ही जाना चाहिए, बेहतर रहेगा। आपको हमारी वो पहली मुलाकात याद है जब मैंने आपसे कहा था कि भूख और प्यास शरीर की दो जरूरतें हैं और इनकी कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जी सही याद है, और आपकी बात कोई कैसे टाल सकता है। मैं अभी खाना लगा देती हूँ। आपके पास भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। अरे उस दुकान में भी कुछ नहीं मिला, यहाँ पर भी मैं एक भी फूल नहीं मिला। यार सारी दुकानें क्यों बंद हैं? लेकिन सारी मिठाइयाँ कैसे खत्म हो गई? एक आदमी आया और सारी मिठाइयाँ ले गया, पता नहीं कौन था। अरे भाई रुको जरा, हमें कुछ सामान खरीदना है। दिलावर भाई कुछ बचा हो तो ले जाइए। क्या मतलब? ये तो हद हो गई, सुबह से एक भी चीज नहीं खरीद पाए हम लोग। सभी दुकानों का माल बिक गया, ये कैसे मुमकिन है? कौन इंसान है जो ऐसा कर रहा है? उन्होंने बताने से मना किया है दिलावर भाई। मना तो किया है, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि कोई सारा बाजार ही खाली कर दे। देखो भाई, हमें साई के साथ रामनवमी और उस मनाने के लिए चीजें चाहिए। अगर तुम हमें बता दो कि वो कौन है तो हम खुद उसके पास जाकर वो चीजें मांग सकते हैं। जो आदमी खरीदने आया था
वो किसी मूलचंद सेठ का नाम ले रहा था। सेठ मूलचंद, भला वो ऐसा क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है श्रीकांत जी, सेठ जी अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि शिरडी में कोई भी रामनवमी और उर्स न मना पाए। अब मुझे यकीन हुआ कि शिरडी में जितने भी कुम्हार और मूर्तिकार हैं उन सबको सेठ मूलचंद ने ही उलझाया होगा। अब क्या करना है? हम उनसे किसी भी हाल में सारी चीजें वापस लेके आएंगे, चाहे उसके लिए हमें लड़ना ही क्यों ना पड़े। जाके सेठ मूलचंद जी से पूछते हैं ना, वही जवाब देंगे। आप ठीक कह रहे हैं, हम सब चलते हैं। चलिए। सेठ मूलचंद से बातचीत करने से क्या होगा, जो सामान उन्होंने लिया है वो शायद आपको वापस मिल भी जाए, लेकिन इससे आपको त्योहार मनाने का सच्चा अर्थ तो ज्ञात नहीं होगा। त्योहार इसलिए मनाया जाता है ताकि खुशियां बांटी जा सके। क्या बिना फूलों के खुशियां नहीं बांटी जा सकती, या बिना मिठाई खिलाए गले नहीं मिला जा सकता? क्या सिर्फ भक्ति और आस्था काफी नहीं है? बोलिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं, हम बाकी सब चीजों के बिना तो काम चला सकते हैं, लेकिन बिना फूल के हम पूजा कैसे कर पाएंगे? आज जो हुआ उसे देखकर तो ये लग रहा है कि जैसे शिरडी के सारे पौधों से फूल तोड़ ले गए होंगे साईं। फूल नहीं है तो पत्थर चढ़ाइए, क्या फर्क पड़ता है? हीरा, पन्ना, जवाहरात, ये भी तो पत्थर ही है, इन्हें भी तो हम ईश्वर पर चढ़ाते ही है ना। लेकिन साईं, पत्थर फूल की जगह कैसे ले सकते हैं? अगर पत्थर में भगवान नजर आ सकता है तो फिर फूल क्यों नहीं? अगर आस्था हो, मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो सब कुछ संभव है। ठीक है, अगर साईं ऐसा कह रहे हैं तो यही सही, लेकिन जिसने भी हमारी खुशियों को बेरंग करने की कोशिश की है उसे किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने देंगे। अपने पीर का उर्स और रामनवमी का त्योहार तो हम एक साथ मना के ही रहेंगे। साईं, हमने सबसे बोल तो दिया है, लेकिन हम उत्सव कैसे मनाएंगे? दियों में तेल नहीं है, उस मनाने के लिए चंदन भी नहीं है। साईं, सबूरी माल सपति जी, सबूरी। Thank you.
देखिए साईं, आपके साथ उत्सव मनाने के लिए मैं सारी सामग्री लेके आया हूँ। ये फल, मिठाइयाँ, हल्दी, फूल, तेल, चंदन सब लाया हूँ। साईं, इससे तो मैं निपटता हूँ। शांत दिलावर भाई। त्योहार मनाने के लिए पहले अपने मन को शांत रखना जरूरी होता है। साईं, रामनवमी की बधाइयाँ। आपको भी। और अपने वादे के मुताबिक मैं आपके लिए मुकुट बनवा कर लाया हूं। साईं, पिछला कारीगर 9 सीखा था, इसलिए मैंने उसे निकाल कर इस मर्तबा एक तजुर्बे वाले बेहतरीन कारीगर से आपका मुकुट बनवाया है। मुझे यकीन है इस बार यह मुकुट आपके सर पे बिल्कुल सही बैठेगा। आप खुद जांच पर रखकर तसल्ली कर लीजिए। जी साईं। मालिक, आपने ये क्या कर दिया? ये पत्थर, कोयला, राख कहां से आ गया? मालिक, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? सब कुछ तो सामने है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सोने का मुकुट कांटे का हो गया है, फूल पत्थर बन गए, मिठाइयां कोयला हो गई है, ये चंदन सड़ गया है और इसमें से तो दुर्गंध आ रही है। मूलचंद आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? सब वैसा का वैसा ही तो है। मूलचंद जी, ये मुकुट सोने का ही है। मूलचंद जी, फूल और मिठाइयां भी ताजी हैं।
मतलब आप सब मेरी चीजों को देख पा रहे हैं? वो वैसे की वैसे ही है। यानी सिर्फ मेरी नजरें धोखा खा रही। ये मुझे क्या हो गया है साईं? महालसपति जी, दिलावर भाई, आप लोग जो कंकड़ पत्थर वाले थैले लाए थे वो ले आइए। जी सती का वक्त आ गया है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन और रुक जाएं। एक और जलसा होने वाला है।